क्या होता है. ओके, सो इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ थ्री डिजिट इंटीजर्स सच दैट ए बी सी डी ई एंड एफ आर डिस्टिंक्ट ओके डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी ओके ए बी सी प्लस डी ई एफ इक्वल्स 1100 एंड 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन. हमें वैल्यू किसकी बताना है, इसकी वैल्यू बनाना बताना है. अगर ये सब नॉन डिस्टिंक्ट ओके डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है, यानी एक से लेके कितने हो गए, 9 तक, क्योंकि थ्री डिजिट नंबर है. तो देखिए, इसे सॉल्व करने के दो तरीके, और मैंने किस तरीके से सॉल्व किया था मैं आपको पहले वो बता देता हूँ. देखिए, सबसे पहले ना क्या करना है, यहाँ पे क्या दिया है हुआ है आपको वो पहले जान लेना है. ओके, एक सेकेंड, ये पेन को भी ना जाने क्या हो रहा है. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ए प्लस, ओ माय गॉड. सो देखिए, यहाँ पे है ए ए प्लस बी प्लस ओके बी सी क्या है यहाँ पे, फिर डी ई एफ, और ये क्या इक्वल होगा, ओके 4 1 हो जाएगा ऐसे प्लस करने पे. तो आप अगर कोई भी मतलब अगर आपको कोई वैल्यू मतलब इसे इक्वेशन के द्वारा से सॉल्व करने नहीं आता है, तो देखिए ऐसे कौन सी दो वैल्यू ले गए आप यहाँ पे जिससे सी एफ 11 आएगा, तो आपको वो पहले ध्यान लगाना है. अगर वैसा नहीं हो रहा तो देखिए पहले क्या करना है, सी प्लस एफ हमें या ये करना है क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिया है, फिर बी प्लस ई देन ए प्लस डी. तो यहाँ पे ये क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, और ये क्या आना चाहिए, ऑफकोर्स 10 आना चाहिए, और ये भी ऑफकोर्स 10 आना चाहिए. तो यहाँ पे कितने हो गए, 20 एंड 31. तो हमारा आंसर यही है. ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 31. सो हमारा आंसर भी यहाँ पे क्या है, 31 है. तो इस तरीके से मैंने आंसर दिया था. और अगर आपको वैसा नहीं आ रहा है तो आप कोई भी 1 से लेके 9 तक तो कोई ऐसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, मतलब सी इक्वल्स करिए और एफ के ये 11 हो जाए. तो देखिए 5 और 5 क्या होता है, 10 होता है, और 5 और 6 क्या होता है, 11 होता है. तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं. लेकिन 5 और 7 कितना होगा, 12 होगा, और 5 और 9 को भी आप नहीं ऐड कर सकते कि वो 14 हो जाएगा. तो इस तरीके से भी आप ऐड करके वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये सब में आसान था तो आप इस पर निर्भर रह सकते थे. ओके, तो आपने ये क्वेश्चन करा था, यानी मुझे कमेंट में